हेलो दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे को समझने के लिए हमें दो तरह से आजमाना पड़ेगा। एक तो ये मेथड है कि हम रट लें, और दूसरा ये मेथड है कि हम मैप के सहारे याद करें। मैप के सहारे याद करेंगे तो वो हमारे दिमाग में बैठता जाता है और हमेशा के लिए तैयार हो जाता है, जबकि रटने से क्या होता है, कुछ समय के बाद भूल जाता है। कहा गया है रटन विद्या घटन बुद्धि, जितना रटेंगे दिमाग उतना घटता जाएगा। ठीक, तो सबसे बढ़िया क्या रहता है, मैप से पढ़ना है। इसीलिए हर जगह हर टीचर ये एडवाइस देते हैं कि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो सामने एटलस को खोल के रखें। तो लेट ना करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्रे क्या होते हैं, क्योंकि भारत के दर्रे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो दर्रे के बारे में जानना जरूरी है। तो किसी पहाड़ी अथवा पठार में स्थित अनुप्रस्थ संकीर्ण द्रोणी, जिसको नैरो बेसिन भी बोला जाता है, वह निचला भाग जिससे होकर स्थल भाग गुजरता है वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। क्या बताए हैं कि जब किसी पहाड़ी अथवा पठार में स्थित अनुप्रस्थ संकीर्ण द्रोणी वह निचला भाग जिससे होकर स्थल भाग गुजरता है दर्रा कहलाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि एक एक दर्रे को, हर राज्य में दर्रे हैं तो एक एक दर्रे को हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा के बारे में जान लेते हैं। तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। एग्जाम में पूछता है क्या है सबसे ऊंचा दर्रा, कितना है इसका, 5664 मीटर ऊंचा है। इसी दर्रे से एक सड़क चीन के तरफ बनाई गई है, जाने के लिए बनाई गई है। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। अब चलते हैं दूसरा देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित कौन कौन से हैं दर्रा, बुर्जिल दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और एक है जोजिला दर्रा। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में स्थित जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ठीक, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, कौन जोड़ती है, जो जिला दर्रा। ठीक, ये देखिए किसको जोड़ती है, श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। ठीक, अब चलते हैं वहीं पे बुर्जिल दर्रा देख लेते हैं, ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा भी श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, किससे, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक, उसके बाद आते हैं बनिहाल दर्रा, देखिए ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है या में स्थित है। यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है।
जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीरपंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद आते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा भी क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक, अब चलते हैं, देख लेते हैं। एक है लुंग लाचा ला दर्रा है, एक वो भी क्या है? लेह क्षेत्र में स्थित है, जो ले और मनाली को, कौन लेह को मनाली से जोड़ती है, या कहिए तो मनाली से होकर, ठीक, मनाली से होकर ले की तरफ जाती है, कौन से दर्रे से? लुंगलाचा दर्रा। ठीक, अब चलते हैं, देख लेते हैं बड़ा लाचा दर्रा। ठीक, बड़ा लाचा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह कौन? बड़ा लाचा दर्रा लेह और मंडी को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? बड़ा लाचा दर्रा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसे कॉपी पे लिख लीजिए क्योंकि हर एग्जाम ये पूछता है। ठीक, अब देखते हैं, इसके बाद आता है सिपकिला दर्रा। कौन सा आता है? सिपकिला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। ठीक, यह दर्रा तिब्बत से शिमला को जोड़ता है, इधर तिब्बत इधर शिमला है, तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। ठीक, आई होप कि आपको किसे? तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। ठीक, ये तो हो गए हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे थे? बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। ठीक है, और रोहतांग दर्रा भी क्या है? हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक, और रोहतांग दर्रा भी क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक, अब चलते हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रा के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो उत्तराखंड में नीति दर्रा, बर्मा दर्रा, माना और लिपुलेख दर्रा या थांगला दर्रा, ये कहाँ पाए जाते हैं? कुमाऊं पहाड़ियों पर स्थित है। इनमें जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा से ही हम मानसरोवर तथा तिब्बत की ओर, या कहें तो कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं, यानी यही नीति दर्रा ही हमें जाने का रास्ता देता है, कहाँ? मानसरोवर और कैलाश पर्वत तक जाने के लिए। ठीक, तो ये हो गए उत्तराखंड के सब। ठीक, वहीं पे जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा है, चांगला दर्रा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग सिक्किम। सिक्किम में दर्रा है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। ठीक है, इसमें नाथुला दर्रा से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? चुंबी नदी। चुंबी नदी निकलती है। ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछते हैं, नाथुला जलेपा, मतलब नाथ क्या होगा? जल गया, याद कर लीजिए, नाथुला जल गया। ठीक, उसके बाद एक दर्रा है डोंकिया दर्रा। डोंकिया दर्रा बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दर्रे के पास भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, या कहे तो भारत की सबसे ऊंची झील चोलाम झील स्थित है। कौन सा है? चोलाम झील। इस चोलाम झील से ही क्या निकलता है? तीस्ता नदी निकलती है, जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र में मिल के आगे जब बढ़ती है गंगा से मिलती है, वहां पे उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आते हैं बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा भी कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? बुमडीला, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाड़ दर्रा। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं यांग्याप दर्रा। ठीक है, इस दर्रे से होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक, अब जान लेते हैं दीफू दर्रा। दीफू दर्रा चीन और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। कौन कौन से, किसके किसके? चीन और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अब आगे चलते हैं पांगसाड़ दर्रा। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के सीमा पर स्थित है। देखिए मैप से आप पढ़ेंगे तो याद होता जाएगा और लिंक भी मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पूछिए पांगसाड़ दर्रा कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से सीमा बनाता है, मतलब सीमा पर स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट दर्रे पे, तुजू दर्रा। ठीक, तुजू दर्रा है तो ये क्या है, मणिपुर में स्थित है। और इसी दर्रे से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होते हुए म्यांमार तक जाया जाता है, मार्ग मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं सीधे एक और दर्रा है मध्य प्रदेश में। ठीक, बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में, यही एक दर्रा है बुरहानपुर दर्रा, जो उसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब आते हैं थालघाट पे। ठीक, सारे हो ही गए हैं, अब किस पे आते हैं? थालघाट पे। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट है ना, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रा है। ठीक, यह प्रायद्वीपी भारत का प्रमुख दर्रा है, जिससे होकर यानी महाराष्ट्र से मुंबई, ये मुंबई है यहाँ पे, मुंबई तक सड़क तथा रेल मार्ग गुजरती है। किस दर्रा से गुजरती है? थाल घाट से। ठीक उसी तरह भोर घाट भी क्या है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पे स्थित दर्रा है। इस दर्रे से देखिए महाराष्ट्र से पुणे, देखिए यहाँ पे भोर का महाराष्ट्र से पुणे तक सड़क और रेल मार्ग गुजरती है। ये हो गया भोर घाट। थाल घाट क्या बताए हैं? महाराष्ट्र से मुंबई तक। ऐसे ही आपका है पाल घाट। पाल घाट भी, पाल घाट ये सब दर्रे हैं, घाट नहीं है। देखिए पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ठीक है, थाल घाट भोर दर्रा। ठीक, अब पाल घाट दर्रा क्या है? ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ये नीलगिरी पर्वत तथा अन्नामलाई पर्वत के मध्य में स्थित है। कौन? पालघाट। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के मध्य में स्थित है। अब आते हैं सेनाकोटा दर्रा। यह दर्रा केरल में ही स्थित है। यह सेनाकोटा दर्रा इलायची पहाड़ी में स्थित है। कहाँ? इलायची पहाड़ी में। इलायची पहाड़ी में, पहाड़ी में स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है, यानी इसी यही दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक, यहीं पे एक और बच जाता है हिमाचल प्रदेश का दर्रा, देवसा दर्रा। ठीक, इस तरह से
हम लोग पूरा भारत का प्रमुख दर रहे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट थे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो क्या किए हम कंप्लीट किए। ठीक, एक बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक, क्या याद रखना है कि वीडियो के लास्ट में इससे संबंधित जितना हम दर्रे के बारे में, भारत के दर्रे के बारे में समझाए हैं, पढ़ाए हैं, उसी से संबंधित एमसीक्यू का सीरीज से, दर्रे के हिसाब से सीरीज से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सारे क्वेश्चन एक जगह जोड़ देंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया था, क्या उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं, आप पूछे गए हैं कि नहीं। तो जब वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।